ओम शांति। आपका प्रश्न है, दशरथ पुत्र राम काल्पनिक है तो त्रेता युग में राम कौन था? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 7 दिन के कोर्स में बताया जाता है। 7 दिन के कोर्स में बताया जाता है कि सतयुग में कृष्ण और त्रेता युग में राम सीता होते। परंतु उसके बाद जब ईश्वरीय ज्ञान लेना शुरू करते हैं तो समझाया जाता है कि राम काल्पनिक है, ऐसा कोई राम हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जबकि सारा संसार राम को ईश्वर मानता है, त्रेता में उसको आया हुआ मानता है, माना जाता है कि वाल्मीकि ने राम से पहले ही रामायण लिख दी थी। वे कंप्लीट उसके ज्ञाता थे, कितने मंदिर, कितनी रामायण, कितनी रामलीलाएं, कितनी भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। फिर आप कहते हैं कि राम काल्पनिक है, किस आधार से? किस आधार से सबूत चाहिए? बिल्कुल, सच को सबूत देने की जरूरत पड़ती है, झूठ को नहीं। झूठ को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं होती। नंबर एक, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर परम पिता परम आत्मा है। स्वयं परम पिता परमात्मा जिसे सत्य कहा जाता है,
वही आकर समझा रहे हैं कि हे आत्माएं, ये सृष्टि चक्र केवल 5,000 वर्ष का है, इसमें जैसा रामायण में राम वर्णन किया गया है ऐसा कोई राम नहीं हुआ है। ऐसा कोई राम नहीं हुआ है। लेखक ने समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए प्रतीकात्मक शैली में इस ग्रंथ की रचना की। नंबर 2, वाल्मीकि कब हुए, ये रामायण कब लिखी गई, सबसे पहली भाषा की व्याकरण ईसा से 300 साल पहले पाणिनि ने लिखी। अष्टाध्यायी व्याकरण और भाषा का नाम रखा संस्कृत, सुधरी हुई भाषा, संस्कारित भाषा। चार वेद उस समय तक लिखे जा चुके थे। वेदों की भाषा व्याकरण के अनुसार नहीं थी। उन्होंने कहा सुनने वाले को समझ में आ गया, काम हो गया। उस भाषा का कोई नाम उन्होंने नहीं रखा था, पाणिनि ने उस भाषा का नाम जो व्याकरण विहीन भाषा थी उसका नाम रखा वैदिक संस्कृत। और संस्कृत के बाद जो व्याकरण के अनुसार बोलते या लिखते थे उसे संस्कृत कहा जाता था। जो व्याकरण के नियम अनुसार बोलते व लिखते नहीं थे उसको पाली भाषा कहा जाता था। पाली माना गाय भैंस चराने वाले लोगों की, गंवार लोगों की, आम साधारण लोगों की भाषा। संस्कृत विद्वानों की भाषा। इस समय व्याकरण बनाए जाने के बाद कालिदास की बाण भट्ट की कादंबरी, वाल्मीकि की रामायण, वेद व्यास का महाभारत आदि, अभिज्ञान शकुंतलम आदि लिखे। बाण भट्ट की कादंबरी,
अभिज्ञान शकुंतलम ये इसी समय की रचनाएं हैं। इनकी भाषा एक ही है। इस बात का प्रमाण है कि वाल्मीकि ने रामायण आज से 2200 साल पहले लिखी। पूरे वर्ल्ड की किसी भी भाषा की लिखित पुस्तक 2500 साल को क्रॉस नहीं करती, नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आके समझाया ईसा से 500 साल पहले ही द्वापर शुरू होता है, धरती में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ये सारे इसी समय एग्जिस्टेंस में आते हैं। इनसे पहले केवल एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया कहा जाता है, जिस समय ये वेद और ये ग्रंथ लिखे गए उस समय भारत की धरती पर इतने लोग एक ही जगह पर रहते थे जो एक ही भाषा में अपना कार्य कर सकते थे। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, भाषा का विकास हुआ, भाषाएं बढ़ी, अलग अलग लेखक आए, उन्होंने अपने अपने साहित्य की रचना की, वाल्मीकि की रामायण की नकल करके अपने दृष्टिकोण से रामायणें लिखी। इतनी सब रामायणें न केवल भारत की धरती पर बल्कि विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुई और उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया। और अब से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने अयोध्या में रामलीला का मंचन किया, रामचरितमानस लिखा, जहां विवादित जगह पर आज राम मंदिर बनाया जा रहा है वहीं रामलीला का सामान रखा जाता था। रामलीला का वो स्थान था, वो जो कुछ साधन मिले वो रामलीला के साधन थे। परंतु भावनाएं, आस्थाएं, विश्वास, और मैं जिसे कहता हूं अंधविश्वास, जो वहां पर राम मंदिर बन रहा है। कितने मंदिर दुनिया में बने हुए हैं, एक और मंदिर भी बन रहा है, कोई फर्क नहीं। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ करके इस टॉपिक को यहीं क्लोज करूंगा। राम के आगे मैं भी बचपन से जाके कहता आया, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम। राम के कितने बच्चे? दो।
लव और कुश। हमारा उनके बच्चों की लिस्ट में नाम नहीं है, फिर वो हमारा पिता कैसे? वो सारे संसार की आत्माओं का पिता कैसे है? ये सिर्फ भावना है, ये सिर्फ कल्पना है, ये सिर्फ अंधविश्वास है। ओम शांति। और अच्छी तरह से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न है आपके पास तो 9213106986 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।